पिछला हफ्ता कैसे था स्टॉक मार्केट के लिए और आने वाला हफ्ता कैसे रहेगा स्टॉक मार्केट के लिए। यस, आपको जो हर हफ्ते का वेट होता है, पिछले हफ्ते आपने देखा होगा दोनों लेवल्स अचीव हुए हैं। आपने शायद देखा नहीं होगा, थर्सडे के दिन 10,805 का लेवल निफ्टी ने दिखाया, उसे बोला जाता है फ्रिक ट्रेड। वो बहुत रेयर लोगों ने जो बहुत टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, जो बहुत सारी स्टडी करते हैं, शायद उन लोगों ने देखा होगा कि निफ्टी ने 10,805 का लो मारा था और हाई में तो आपने देखा जिस तरीके से मैंने बोला था 11,200 क्रॉस करेगी और निफ्टी ने 11,200 क्रॉस भी कर लिया था। तो चलिए बात करते हैं आने वाले हफ्ते में कैसे रहेगी निफ्टी। अगर हो सकता है, जैसे मैंने बोला कि 10,805 का लो बनाया है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो वाइट स्पिनिंग टॉप कैंडल निफ्टी ने बनाई हुई है। थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क रहेगा अगले आने वाले हफ्तों में, अगले आने वाले कुछ दिनों में। हमने देखा है पेशेंट्स बढ़ रहे हैं, जीडीपी घट रहा है, गवर्नमेंट पैकेज पे पैकेज देने की कोशिश तो कर रही है, बट उस पैकेज का कितना असर होगा। काफी सारे लॉकडाउन के वजह से जॉब्स चले गए हैं, बिजनेसेस जैसे कि रुक से गए हैं और उन सारे बिजनेसेस का असर हम लोग स्टॉक मार्केट में आज नहीं तो कल डेफिनेटली देखने वाले ही है। इसीलिए मैं हमेशा आप लोगों को बोलती हूँ कि बी कॉशियस। प्रॉफिट बुकिंग आपको तो पता है मेरा फंडा, प्रॉफिट बुकिंग का ऑलवेज फंडा रखिए। लास्ट वीक टारगेट अचीव होते हुए आपने देखे, यस अगले हफ्ते भी टारगेट अचीव ही होंगे, इसमें कोई दोहराई नहीं है या दोहराई नहीं है, ये आपको भी पता है। अगले हफ्ते सेंसेक्स का क्लोजिंग था 38,128, निफ्टी का क्लोजिंग था 11,194.15 एंड बैंक निफ्टी का क्लोजिंग था 22,662.5। ये बैंक निफ्टी का क्लोजिंग था। बैंक निफ्टी में भी आने वाले दिनों में एक पॉलिसी डिक्लेयर होने की उम्मीद जगाई हुई है मार्केट ने, तो उस उम्मीद के हिसाब से भी हम लोग देख सकते कि बैंक निफ्टी में थोड़ा बहुत उछाल, मतलब अगर मैं बोलूं तो 23,600 के आसपास हम लोग बैंक निफ्टी जाते हुए देख सकते हैं। यस, चलिए निफ्टी जिस चीज का आपको बेसब्री से इंतजार है उस चीज के बारे में बात करूं, 11,240 फर्स्ट लेवल रहेगा, 11,290 सेकेंड लेवल रहेगा, 11,320 थर्ड लेवल रहेगा। अगर ये तीनों हार्डल निफ्टी क्रॉस करती है तो 11,400 भी हम लोग जल्द ही देख सकते हैं। यस, यूएसए के कुछ पैकेजेस आना बाकी है, उस पैकेजेस के हिसाब से अगर आप देखोगे तो 11,400 जल्द ही निफ्टी देख सकते हैं। नीचे के लेवल की अगर हम लोग बात करें, 11,194 का क्लोजिंग हमने देखा है, 11,150 फर्स्ट टारगेट, 11,102.05 हम लोग बोल सकते हैं उसे सेकंड टारगेट, थर्ड टारगेट रहेगा 10,050 एंड थर्ड टारगेट रहेगा 10,950। और अगर ये तीनों टारगेट, चारों टारगेट अगर निफ्टी रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक करती है तो डेफिनेटली 10,800 का नीचे का लेवल हम लोग जल्द ही देख सकते हैं। यस, नेक्स्ट वीक मंडे से 5 दिन का बैच शुरू हो रहा है, मंडे ट्यूसडे वेनसडे 3 दिन थ्योरेटिकल पार्ट रहेगा और फ्राइडे थर्सडे एंड फ्राइडे लाइव मार्केट में प्रैक्टिकल्स होंगे विथ मैजिक फॉर्मूला विथ लॉट्स ऑफ ट्रिक्स विथ लॉट्स ऑफ स्ट्रैटेजी। सो गाइस, टिल देन ऑल द बेस्ट, थैंक यू।